हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का स्वागत है चैनल चलो लर्न करते हैं मैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास वन का इंग्लिश का सिलेबस या फिर वर्कशीट, इसे आप कह सकते हैं। तो देखिए, क्लास वन के सिलेबस में क्या है, ए और एन इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक रीडर होता है, एक इंग्लिश ग्रामर होता है। रीडर में बुक्स चलते हैं जिसमें कहानियाँ पोएम्स रहते हैं, तो वो स्कूल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ग्रामर की मैं बात कर रही हूँ तो ग्रामर एक ही होगा, एक ही रहेगा आई होप मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं स्कूल के हिसाब से। तो मेरे बेटे को जो पढ़ाया गया है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, तो इसमें देखिए ए और एन है, आर्टिकल्स है, ए और एन पढ़ना है। इसमें बच्चों को वोवेल्स के साथ यूज किया जाता है, एन जहाँ पर वोवेल्स होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू वोवेल्स। इस तरह से हम बच्चों को वर्कशीट बना करके देंगे, ए कहाँ फिल करना है, एन कहाँ फिल करना है, ये बच्चों को हमें देना है इस तरह से फिल करने के लिए। ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स पाँच होते हैं। अगर इस इन लेटर से जिससे वर्ड शुरू होता है तो वहाँ एन का यूज होगा, और इससे जब वर्ड शुरू नहीं होता है तो वहाँ ए का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट के साथ जब कोई वर्ड शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो वहाँ ए का यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर है एग, ई जी जी ई है यानी वोवेल है, तो ई है तो यहाँ पर एन एग हो जाएगा। ओके, एन एग इन बैग, बैग का बी है जो कि कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, तो यहाँ पर ए बैग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अ वाई ऑन, वाई है बी है इसलिए यहाँ ए का यूज हुआ है, ऑन यहाँ ई है, ए ई आई ओ यू ये होते हैं वोवेल, और ई से स्टार्ट है एलिफेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा एन का यूज। इसी तरह यहाँ पी है तो अ पैरट हो जाएगा, अ पैरट इन केज, तो यहाँ भी सी है तो सी यानी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी हो जाएगा यूज ए। मैंने ए और एन पर भी वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहिएगा तो आप उसे देख सकते हैं। अब इसी तरह पिक आउट द वोवेल्स, ठीक, इसमें पिक आउट द वोवेल्स है, इसमें है ना बच्चे को क्या करना है, वोवेल्स को छांटना है, क्योंकि हमें पता है वोवेल्स होते हैं पाँच, ये बच्चों को तो हमें याद करवा देना है कि वोवेल्स पाँच होते हैं। तो इसमें देखिए पहला वोवेल्स क्या है, ई, फिर दूसरा एल तो नहीं है, फिर ई है, फिर पी भी नहीं है, एच भी नहीं, ए है, तो बस तीन ही वोवेल हुए हैं। ठीक है, अब इसमें सनफ्लावर, इसमें देखिए एस नहीं है, यू, एन भी नहीं है, एफ भी नहीं है, एल भी नहीं है, ओ, डब्ल्यू भी नहीं है, ई है, तो ई हो गया, यानी इसमें भी तीन वोवेल्स आए छाट करके। अब एरोप्लेन, इसमें पांचों वोवेल आ गए एरोप्लेन से। तो इस तरह से हमें बच्चों को देना है वर्कशीट तैयार करके आर्टिकल्स पर, ए और एन पर। ठीक है, इस तरह से बच्चे अच्छे से समझेंगे, और जब उन्हें करने को, बनाने को, फील करने को दिया जाता है तो वो अच्छे से समझते हैं हर चीज़ को। तो इसीलिए हमें वर्कशीट देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। अब ये देखिए नेमिंग वर्ड्स, इसमें पढ़ना है नाउन जिसे कहते हैं, नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, जहाँ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग का जब नाम हो तो उसे हम नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है, आप उन्हें चाहे तो चेक देख सकते हैं, मैं उसे भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सी टीचर्स इन अ स्कूल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, टीचर, ही गिव्स अस मेडिसिन, तो डॉक्टर, ही सीज आवर क्लोथ्स, तो टेलर, ही ग्रोज क्रॉप्स, इस फार्मर। इस तरह से बच्चे से पूछे जाते तो आप इस तरह से भी उन्हें बना के दीजिए, ये हेल्पर्स में भी आते हैं ये सब। अब देखिए, अब इसमें क्या है, हमें बॉक्सेस बना देने हैं, तीन तरह के बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, सब में मैंने एनिमल्स नेम, प्लेसेस नेम, पर्सन्स नेम और प्लेसेस नेम, ये सारा कुछ डाल दिया है। अब बच्चे को इसमें क्या करना है, इसमें चूज करके लिखना है कि पर्सन में कौन आएगा, प्लेसेस में कौन आएगा, एनिमल्स में कौन आएगा और थिंग्स में कौन आएगा। तो पहले हम फर्स्ट टेबल से चलते हैं, जैसे पर्सन, पर्सन इसमें कौन हो सकता है, बच्चे पहले तो हम उन्हें समझा देंगे, जैसे पर्सन है तो पर्सन इसमें कौन है, डॉक्टर, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे डॉक्टर। बच्चे को इसे करना है, ठीक है, हमें नहीं करना, बच्चे को करने देना है, हमें बस समझा देना है पहले। प्लेसेस कौन है, तो टेंपल प्लेस है क्योंकि हम जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं, तो टेंपल हो गया प्लेस।
फिर एनिमल्स, तो एनिमल्स तो कैट है यहाँ पर, थिंग्स है मैंगो। इस तरह से इसमें पर्सन हो जाएगा किंग, हाँ, प्लेसेस हो जाएगा शॉप, एनिमल्स हो जाएगा ऑक्स, थिंग्स हो जाएगा चेयर। इस तरह से इसमें काउ हो जाएगा एनिमल्स, स्कूल हो जाएगा प्लेसेस, काइट हो जाएगा थिंग्स, बेबी हो जाएगा बेबी पर्सन में आ जाएगा। तो अब देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल भी आता है। अब जैसे इस सब में क्या करना है, बैट है तो बैट्स, इस सब में एस लगा देना है, आई आई चेस। हाँ, अब देखिए क्या होता है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में डबल एस हो, एस एच हो और ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, वहाँ ई एस का यूज़ करते हैं प्लूरल बनाने में, ठीक है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैंने बैट है तो बी ए टी एस हो जाएगा, इस तरह इसमें भी एस लग जाएगा, लेकिन जहाँ डबल एस हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, ई एस हो जाएगा, सी एल ए डबल एस ई एस। उसी तरह ड्रेसेज में भी ई एस, ब्रशेज एस एच है तो ई एस, लेकिन हाँ कहीं कहीं एक्सेप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे फिश में ई एस नहीं लगता है, एफ आई एस एच तो होता है पर उसमें ई एस नहीं लगता है, उसमें एस लगता है। उसी तरह पोटेटो है ओ है तो पोटेटोज यानी ई एस लग जाएगा। उसी तरह फॉक्स में भी ई एस लगेगा, चर्च में भी ई एस लगेगा। अब देखिए, अब मैंने इसलिए वर्ड छाट छाट के रखे जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब जैसे देखिए फैमिली है तो यहाँ वाई है, तो वाई इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें वाई का आई ई एस करना पड़ता है, फैमिलीज। उसी तरह लीफ का है तो एफ जिसके लास्ट में आता है, वर्ड के लास्ट में, तो उसका हो जाता है वी ई एच, जिससे तो एल ई ए वी ई एस लीव्स हो जाएगा। अब इसमें देयर इज, हमें सिंगुलर प्लूरल पे बच्चों को देना है तो दिस देयर इज, देयर आर भी दे देंगे। जैसे अब इसमें बच्चों को पूछना है कि यहाँ बताओ क्या फील होगा, देयर और टीचर है तो एक ही टीचर है तो यहाँ क्या फील हो सकता है बताओ, तो बच्चा अगर जानता होगा समझता होगा तो वो लगाएगा देयर इज, क्योंकि एक ही टीचर है इसलिए देयर इज अ टीचर इन द क्लासरूम। अब यहाँ 20 चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, अब यहाँ 20 चिल्ड्रन है, एक तो है नहीं ज़्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा देयर आर का यूज। आप इस तरह से बच्चों को दे बनाने के लिए आएगा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब नेक्स्ट है प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन क्या होता है कि वो नाउन के जगह पर आता है, नाउन की जगह पर जो भी वर्ड आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यानी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग की जगह पर जो वर्ड आया उसे प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं। रानी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर हम, फिर डैश है गोज टू स्कूल डेली, बोल तो रहे हैं हम रानी ही के लिए, पर यहाँ हम रानी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे सी का, वो जो कि रानी के लिए आ रहा है। तो यहाँ जो सी हो गया वो प्रोनाउन हो गया, क्योंकि वो नाउन, यहाँ रानी नाउन है, नाउन के बदले हम किसका यूज कर रहे हैं, सी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ सी हो गया प्रोनाउन, ठीक है। अ रोज इज अ फ्लावर, इट हैज अ स्वीट स्मेल, तो यहाँ हो जाएगा इट। मेरा नाम रिया है, ठीक है, माय नेम इज रिया, मैंने इसकी जगह यूज किया आई एम अ टीचर, तो रोहन इज अ बॉय, ही इज स्टूडेंट। अब आता है इज एम आर, सिंगुलर के साथ इज का यूज करना है, जैसे ही सी इट नेम, और सिंगुलर के साथ हमें इज का यूज करना है, ओके। और एम यूज होगा आई के साथ, एम का यूज होगा आई के साथ, और आर का यूज होगा यू वी दे और प्लूरल के साथ, रोहन, तो यहाँ क्या हो जाएगा इज, इसका यूज हो जाएगा, दे आ गया, दे के साथ आर का यूज होता है। इस तरह से हम वर्कशीट बना के देंगे बच्चों को। अब देखिए इसमें एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव होता है जब हम किसी सेंटेंस में जो एक खास गुण, एक खास कुछ विशेषताएं बताते हैं, वहां एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे अंडरलाइन एडजेक्टिव। देखिए ये मैंगो के बारे में बता रहा है, स्वीट है मैंगो, कैसा है, स्वीट है, तो स्वीट यहाँ जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आ जाएगा। ऐसे हम बच्चों को देंगे बनाने के लिए और उसे कहेंगे अंडरलाइन करने, तो इस तरह से अंडरलाइन हो जाएगा। उसी तरह अलोंग स्टिक, स्टिक कैसा है, लंबा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है हमें, तो लंबा है, लंबी स्टिक है, तो लॉन्ग में हो जाएगा अंडरलाइन। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, तो ओल्ड में हो जाएगा अंडरलाइन। एन एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास, तो ये भी ग्लास की विशेषताएं बता रहा है, तो एम्प्टी ग्लास हो गया। अब है वर्ब वी डू एवरी डे, अब हमें वर्ब बच्चों को पढ़ाना है जो कि हम डेली करते हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन लाइक टू
प्ले इन प्ले ग्राउंड, यहाँ प्ले ग्राउंड है तो निश्चित है कि प्ले ही होगा। वर्ब चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, मतलब चिल्ड्रन क्या करना है, खेलना पसंद करते हैं प्ले ग्राउंड में, तो PLAY प्ले हो जाएगा। सन इन द मॉर्निंग लिखा है, दैट सन डैश इन द मॉर्निंग, तो द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। अब यहाँ ES लगा है, क्यों लगा है, तो देखिए ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ एस या ES लगता है, तो यहाँ द सन क्या है, सिंगुलर है, एक ही सन है, इसलिए यहाँ एस या फिर ES लगेगा, ठीक है। वो IVU दे और प्लूरल के साथ एस या ES नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ओके। ये देखिए यहाँ इस तरह मैंने फिल किया है। अब ये वर्ब वी आर डूइंग नाउ, वो वर्ब हमने पढ़ा वी डू एवरी डे, और ये वाला वर्ब हम पढ़ेंगे वी आर डूइंग नाउ, जो अभी हम कर रहे हैं। जैसे सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है, ठीक है, सीता गा रही है तो ING लग गया, तो इसमें वर्ब में ING लगाना है वी आर डूइंग नाउ में। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या बनाएंगे, इजंट या फिर इज नॉट का यूज हो जाएगा, सीता इज नॉट सिंगिंग, सीता नहीं गा रही है। अब उसी तरह इसमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज पहले आ जाएगा, इज सीता सिंगिंग, क्या सीता गा रही है, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से बच्चे को देखिए एक फ़ोटोज़ दे दिया जाता है एग्ज़ाम में या फिर बुक्स में भी ऐसे ही रहता है, मैंने यहाँ फ़ोटोज़ बनाया है। एक्चुअली यहाँ पर जो गर्ल है वो डांस कर रही है, तो इज राधा सिंगिंग, ये को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज देखिए पहले आया है, तो इज राधा सिंगिंग, क्या राधा गा रही है, तो नो राधा सिंगिंग मैंने लिख दिया है, तो नो राधा इज नॉट सिंगिंग, राधा नहीं गा रही है, तो सी क्या कर रही है तब, तो सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग। अब है वर्ब यस्टरडे, जो हमने कल किया मतलब पास्ट में किया, यहाँ वर्ब टू का यूज होता है, ठीक है, यानी कि वेंट, गो वेंट होता है, गो का वर्ब टू होता है वेंट, यानी हो जाएगा आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, यहाँ गो का यूज नहीं होगा, मतलब मैं कल मार्केट गई। आई अ बुक इन अ शॉप, आई सा, ठीक है, मैंने बुक देखा, या मैं ही गेव मे बुक, सब यहाँ वी टू वर्ब टू का यूज हो रहा है, ठीक है, गिव गैप सी सा। उसी तरह यहाँ पर बच्चे को हम इस तरह से दे सकते हैं अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, जैसे माई मदर, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दे दिया दो वर्ड दे दिया, मैक्स और मैड, अब बच्चे को इसमें से चूज करना है कि सही क्या होगा, अंडरलाइन करना है, तो माई मदर अ केक यस्टरडे, अब यस्टरडे है तो मेक होगा या मैड होगा, तो मेक का वर्ब टू होता है मैड, यानी मेक नहीं होगा मैड होगा, तो बच्चे इस पे लगाएगा अंडरलाइन करेगा मैड, माई मदर मेड अ केक यस्टरडे, ओके। इस तरह से बच्चे को हम देंगे ब्रदर केम या फिर कम, ब्रदर होम लास्ट संडे, अब लास्ट संडे है यानी पिछले संडे को आया था, तो केम हो जाएगा, वर्ब टू क्या हो जाएगा, केम, तो केम होगा सही आंसर। अब आई एट या ईट, आई ब्रेकफास्ट यस्टरडे मॉर्निंग, क्योंकि हमें बच्चे को अंडरलाइन करने से पहले बच्चे को ध्यान देना है यहाँ पर कि लास्ट में जो सेंटेंस वो क्या बोलता है, यस्टरडे है कि लास्ट है, क्या बोलता है सेंटेंस, तो आई ब्रेकफास्ट यस्टरडे मॉर्निंग, अगर वहाँ पर एट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था सिलेबस, तो वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, उन्हें भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें तो थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ओके। तो फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।